हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको C++ एंड जावा में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। देखो, अगर आप एक फ्रेशर हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम एक कोडिंग लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, तो आपको वही कोडिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए जिसमें एज अ फ्रेशर काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी हो, काफी ज्यादा प्लेसमेंट्स हो, प्लस वो कोडिंग लैंग्वेज सीखने में भी आसान हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि दोनों कोडिंग लैंग्वेजेस कहाँ कहाँ यूज होती हैं, कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी इन दोनों कोडिंग लैंग्वेजेस में, एंड एज अ बिगिनर आप किसे आसानी से सीख सकते हैं। देखो, C++ कोडिंग लैंग्वेज C का एक नेक्स्ट वर्जन है। C 1970s में लॉन्च हुई थी एंड C++ 1985 में लॉन्च हुई थी। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब हम C++ में क्लासेस क्रिएट कर सकते थे, इनहेरिटेंस का यूज कर सकते थे, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज हम C++ कोडिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। देखो, C++ एक कोर कोडिंग लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट 30 ईयर से इंडस्ट्री में है एंड अभी भी C++ टॉप 5 कोडिंग लैंग्वेजेस में आती है, मतलब काफी सारे सॉफ्टवेयर्स में C++ का यूज होता है। C++ की अभी भी काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। देखो, यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि C++ का कहाँ पर ज्यादा यूज है। जैसे C++ आप गेम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में C++ का यूज होता है, मेडिकल सॉफ्टवेयर्स में, ड्राइवर्स, फर्मवेयर्स में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स में C++ एक्सटेंसिवली यूज होती है। इवन स्पेस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में भी C++ का काफी ज्यादा यूज है। देखो, C++ इसलिए यूज होती है क्योंकि C++ काफी फास्ट लैंग्वेज है, जावा से काफी ज्यादा फास्ट है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन की काफी ज्यादा प्रायोरिटी होती है, वहां पर हम C++ का यूज करते हैं। C++ में पॉइंटर्स का कंसेप्ट होता है, मतलब C++ में मेमोरी मैनेजमेंट हमें खुद से करनी होती है, जबकि जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली मेमोरी को फ्री कर देता है। देखो, जो भी प्रोग्राम्स आप C++ में बनाते हैं वो काफी क्रिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, विच मींस अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप अच्छे से कोड कर पाएंगे, आपके कोड में एरर्स कम होंगे, या फिर एज अ फ्रेशर अगर आप C++ की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अच्छे से कोडिंग सीखनी होगी, आपको डिटेल में पता होना चाहिए डिजाइन पैटर्न्स के बारे में, आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि कोड कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, बिकॉज अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं C++ के कोड में तो आपका प्रोग्राम काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है प्रोडक्ट को। जावा कोडिंग लैंग्वेज 1990s में लॉन्च हुई थी। जावा भी एक कोर कोडिंग लैंग्वेज है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स में जावा का यूज होता है एंड टॉप 3 कोडिंग लैंग्वेजेस में जावा को इंक्लूड किया जाता है। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब आपको मेन फंक्शन भी एक क्लास के अंदर लिखना होता है। C++ की तरह जावा में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट यूज होते हैं, बट जावा में पॉइंटर्स नहीं होते, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट जावा गार्बेज कलेक्टर के थ्रू करता है। अगर आप अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमली डिजाइन नहीं करते हैं जावा में, तो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर आपके लिए वो काम कर देगा। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब जावा में एक लेयर का यूज होता है जिसे JVM कहते हैं, तो जो भी आप कोड कंपाइल करते हैं जावा का वो JVM में रन होता है एंड JVM मैनेज करता है कि जावा के सोर्स कोड को डिफरेंट प्लेटफॉर्म में कैसे रन करना चाहिए। कंपेयर टू C++, जावा थोड़ी सी स्लो लैंग्वेज है, बट स्टिल ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों कोडिंग लैंग्वेजेस में। जावा हम बैकएंड एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, एंड्रॉइड एप्स के लिए जावा का यूज होता है एंड डेस्कटॉप एंड एंटरप्राइज एप्स के लिए जावा का यूज होता है। जावा एक कंपाइल्ड एंड स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज है, जिससे कि आपका प्रोग्राम काफी ज्यादा स्टेबल होता है जावा में, इसलिए एंटरप्राइज ऐप में जावा का काफी ज्यादा यूज होता है। देखो, सीखने में दोनों कोडिंग लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट सेम है एंड दोनों कोडिंग लैंग्वेजेस बिगिनर फ्रेंडली हैं एंड बेसिक सिंटैक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स दोनों कोडिंग लैंग्वेजेस के सेम है। मतलब अगर आपको C++ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बेसिक सिंटैक्स के बारे में आपको नॉलेज है, तो जावा में भी आप सिमिलर सिंटैक्स ही यूज कर रहे होंगे एंड दोनों कोडिंग लैंग्वेजेस के आपको काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन। देखो, प्लेसमेंट्स के लिए आपको DSA आना चाहिए। DSA आप जावा में भी कर सकते हैं, C++ में भी कर सकते हैं। C++ थोड़ी सी फास्ट है जावा से, इसीलिए DSA में आप अच्छा रैंक कर आएंगे अगर आप C++ का यूज कर रहे होंगे, बट स्टिल ज्यादा डिफरेंस नहीं है एंड जावा में आपको काफी ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे DSA के रिलेटेड। प्लस जावा में आप मोस्टली कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोग्राम्स बना रहे होंगे, जैसे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे, मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे होंगे एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है, विच मीन्स आपको जावा सीखने में थोड़ी सी आसान लग सकती है, आपको खुद से मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करनी होगी जावा में। देखो, आप दोनों कोडिंग लैंग्वेजेस में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, दोनों कोडिंग लैंग्वेजेस की इक्वल डिमांड है, दोनों कोडिंग लैंग्वेजेस में आपको सिमिलर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। देखो, अगर मुझे चूज करना होगा तो मैं जावा को चूज करूंगा, बिकॉज जावा में मैं कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, जैसे मैं डेस्कटॉप एप्स बना रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट मैं जावा में कर रहा हूँ एंड एंड्रॉइड एप्स भी मैं जावा में बना सकता हूँ।